हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बैंजो के लिए एक स्टैंड बनाएंगे, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, सीधा स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये दो पट्टी लिया है हमने, जो हमारा मेन स्टैंड का जो बेस है वो ही बनने वाला है इससे। इसके बाद हम इसको कट करेंगे, 46 इंच के पीस में इसको कट कर देंगे। आप देख सकते हैं इस हिसाब से ये पट्टी का सेंटर निकाल के हम आधे टुकड़े में खाँचा निकालने वाले हैं। आगे आपको दिखाई देगा कि किस तरह से वो किया है। कुछ इस तरह से आपको ये खाँचा निकालना है। आप देख सकते हैं दोनों पट्टी के परफेक्ट सेंटर में निकाला है, हाफ ऑफ पट्टी को कट कर दिया। फिर जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला था पट्टी का, वहाँ पे हमें सेंटर में एक होल मार देना है ड्रिल की मदद से। आप देख सकते हैं परफेक्ट सेंटर है ये, आप होल देख सकते हैं, ये ड्रिल की मदद से आप कर सकते हैं। ये जो सेंटर में हमने ड्रिल किया हुआ है वहाँ पे हमारा नट बोल्ट जाएगा। तो चलिए अभी आगे नट बोल्ट लगा देते हैं। तो अभी ये फिक्स करने के लिए हमने 1.5 इंच का नट बोल्ट लिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो फिटिंग किया जा रहा है। वहाँ से निकलने के बाद आपको नट लगा देना है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, थोड़ा ही टाइट करना है ताकि मूवमेंट भी हो अपने स्टैंड की। इस तरह से नीचे साइड हमने जो दो ब्लैक कलर की पट्टियाँ लगाई है आप देख सकते हैं, वो स्ट्रेंथ के लिए लगाई गई है। आप लगा सकते हैं स्ट्रेंथ के लिए। दोनों ब्लैक कलर की जो पट्टियाँ है वो हमने स्क्रू की मदद से फिट कर दिए है, चार स्क्रू के मदद से। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में जो दो दो स्क्रू लगाए हुए हैं उसकी मदद से वो फिट हो चुका है। नट बोल्ट फिटिंग के बाद हमने ये ऐसे पीस निकाले हुए है, ये 10 इंच के टुकड़े है। इसमें हमने आधा स्क्रू ड्रिल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हम दोनों डायगनल पट्टियों के ऊपर 45 डिग्री एंगल निकाल कर उसे स्क्रू कर देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से वो 45 एंगल लिया हुआ है। और ये जो पट्टियाँ है उनको हमें स्क्रू नीचे से ही कर देना है, इसलिए पहले ही हमने दो स्क्रू हाफ ऑफ ड्रिल कर दिए थे। चारों सिरों पर ये पट्टियाँ फिट होने के बाद हमारा स्टैंड कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। अभी स्टैंड को स्टेबल रखने के लिए हमने ये विंडो स्लैच का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते एक जो सिरा है वो पट्टी के लेफ्ट साइड में फिक्स कर दिया है, और सेकंड वाला है जो राइट साइड वाले पट्टी पर लगा दिया है, जिस तरह से हमारा विंडो लैच परफेक्टली उसमें फिट हो जाए और जिसकी मदद से हमारा स्टैंड का मूवमेंट भी वहाँ पे स्टॉप हो जाए। और आपको ये इस तरह से डिसाइड करना है कि आपका पियानो कौन से साइज़ का है या फिर बैंजो आपके कौन से साइज़ का है। हमारे बैंजो के हिसाब से हमने ये विंडो स्लैच लगा दिया है। नीचे साइड बेस को स्ट्रेंथ देने के लिए ये दो पट्टियाँ हमने लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। ये नट बोल्ट की मदद से फिट किए गए हैं, ये रिमूवेबल भी है। ये फिट होने के बाद हमारा स्टैंड तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसे कलर भी कर देते हैं। तो कलर करने के बाद हमारा स्टैंड कुछ इस तरह से दिखता है, ये ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुका है। ये स्टैंड का असेंबली भी बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको असेंबल भी कर सकते हो, डिसेंबल भी कर सकते हो।